क्या कर रहे हो यार? वो आई चालू करूं? चालू है। पेंशनर पेंशनर जिंदाबाद, पेंशनर पेंशनर जिंदाबाद, पेंशनर पेंशनर जिंदाबाद। सीपीएफओ होश में आओ, सीपीएफओ होश में आओ, सीपीएफओ होश में आओ, सीपीएफओ होश में आओ। हमारी मांगे होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रधानमंत्री जी न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। अशोक ऐसे बात करना। हेलो हेलो, हमारे साथ हैं अशोक, संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। पाई पाई का, मेहनत की कमाई का, पाई पाई का, मेहनत की कमाई का। प्रधानमंत्री न्याय दीजिए, प्रधानमंत्री न्याय दीजिए, प्रधानमंत्री न्याय दीजिए। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। हिसाब पाई पाई का, मेहनत की कमाई का, हिसाब पाई पाई का, मेहनत की कमाई का। लिंक बना दो, अब वो काट दिया उसको ना, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन कर दो, लिंक पे आएगा तभी। हाँ हाँ, वीडियो ऑन करो। अच्छा हाँ हाँ, बनाओ, हाथ भी ऊपर उठाया करो यार सारे भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। लिंक पे आया कि नहीं? आ गया वो, चार आ गया, चार चार मिनट की बनेगी बस, चार मिनट की बनेगी बस, चार मिनट की। प्रधानमंत्री जी न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। पहुंचने पर क्योंकि हरियाणा की तरफ से आप सभी का स्वागत सम्मान और अभिनंदन करता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। इतनी भारी बरसात के मौसम में आप लोग भूखते हो यहां से यहां तक आए हैं। हमारा 3-4 बजे का आने का प्रोग्राम था लेकिन बरसात में आदमी फंस जाने के कारण सभी लोग नहीं आ पाए, लेकिन हमारे साथ हैं, उनको फोन आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। किसी के घर में पानी घुसा है, किसी के वहाँ में पानी लगा हुआ है, लेकिन पर्सनल परेशानी सबकी अलग अलग हो गई, लेकिन हमारे साथ है। साथियों, हमारा आंदोलन 8 सालों से चल रहा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी से 2 बार बात हो गई, श्रम मंत्री वित्त मंत्री से भी बात हो गई है, अब करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, कैसे कैसे 8 साल हो गए। 200 पेंशनर पूरे देश में जाते हैं, इतनी तादाद घटती जा रही है, लेकिन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का UPS को लागू कर दिया, लेकिन MPS लागू करने में पता नहीं क्या परेशानी हो रही है। जबकि हम लोगों का अनुदान घटने गया हुआ है, हम सरकार से फ्री का नहीं मांग रहे हैं। हमारी कटौती हुई हमारे वेतन से 25-40 साल तक, इसके बदले हम पेंशन 75% मांग रहे हैं, पति पत्नी को 10% मांग रहे हैं और जो इसे संबंध नहीं है उनको भी तुरंत फायदा मांग रहे हैं। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत जी और केंद्रीय टीम की लगातार बात हो रही है। अभी हमारी आज भी वीरेंद्र सिंह जी से राष्ट्रीय महासचिव जी से बात हुई है, वो दिल्ली में मंत्रियों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें अच्छे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन उस संकेत का क्या फायदा जब तक सरकार हमारा डिक्लेयर न करे। EPS 95 पेंशनर, EPFO होश में आओ, EPFO होश में आओ, अपना हक, अपना हक। EPS 95 पेंशनर, EPS 95 पेंशनर, EPS 95 पेंशनर। अशोक राउत आगे बढ़ो, अशोक राउत आगे बढ़ो। पेंशनर एकता, पेंशनर एकता। EPS 95
नमस्कार सर जी, आपने बहुत काम किया हुआ है पास पेपर के बारे में। आज क्या इशू क्या है? ये मांगों के अपने समर्थन में प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देना है आपके थ्रू। पेंशन ये तुम पहले भी देख चुके हो, बना रहे जी आप सामने नेशनल लेवल पर दिया जा रहा है जी। आज प्रधान जी चलो चलो সামনে আমাদের আন্দোলন চলছে, চলবে, চলছে, চলবে। মিনিমাম পেনশন 7,500 টাকা ঘোষণা করতে হবে, করতে হবে, ডিএ প্রদান করতে হবে, করতে হবে, মেডিকেল ফ্যাসিলিটি দিতে হবে, দিতে হবে, এই পুরোনা পেনশন নীতি চালু করতে হবে, করতে হবে, এই পুরোনা পেনশন নীতি চালু করতে হবে, করতে হবে, এই আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, এই দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, এই দাবির ভিত্তিতে আমাদের আন্দোলন চলছে, চলবে, চলবে, অবস্থান বিক্ষোভ চলছে, অবস্থান বিক্ষোভ চলছে, চলবে, চলবে, চলবে। মিনিমাম পেনশন ঘোষণার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী তালবাহানা মানছি না, মানবো না, মানছি না, মানবো না। মিনিমাম পেনশন ঘোষণার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী তালবাহানা মানছি না, মানবো না, মানছি না, মানবো না। মিনিমাম পেনশন ঘোষণা হচ্ছে কেন? কেন্দ্র শ্রমমন্ত্রী জবাবদায়ক, জবাবদায়ক। মিনিমাম পেনশন ঘোষণা হচ্ছে না কেন? কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে, চলছে, চলবে। আমাদের আন্দোলন চলছে, চলবে, চলছে, চলবে। এডিশন কমিটি, 95 এডিশন কমিটি জিন্দাবাদ, 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 ইউনিট জিন্দাবাদ, 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 জিন্দাবাদ। মিনিমাম পেনশন 7,500 টাকা অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে, করতে হবে, দশসহ দিয়ে প্রদান করতে হবে, করতে হবে, সেই মেডিকেল ফ্যাসিলিটি পেনশনার দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। জিন্দাবাদ, আন্দোলন চলছে, চলবে, চলছে, সারা ভারতব্যাপী আমাদের আজকের আন্দোলন চলছে, চলবে, চলছে, চলবে। আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, এই দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে। দাবি ন্যায্য দাবি, এই দাবি অবলম্বে ঘোষণা করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। পুরানা পেনশন নীতি ঘোষণা করতে হবে, আমাদের আন্দোলন চলছে, চলবে, অফিসের সামনে আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে, চলবে, ভারতব্যাপী আমাদের প্রিয় অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চলছে, চল। मी यांचं अभिनंदन करीन की या बेलापूर ऑफिसने हा जो कार्यक्रम निकट निधी आपल्या निकट ह्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना एवढी उत्कृष्ट माहिती दिली, खरोखरच यांचं कौतुक करण्यासारखं आहे। आम्ही जेव्हा सर्व्हिसला होतो एवढी माहिती आम्हाला कधीही कोणी दिली नाही। आम्हाला प्रॉव्हिडंट फंडाबद्दल ढ कठ माहीत नव्हतं, फक्त फॉर्म भरला, रिटायर झालो आणि त्यांनी आमचं विड्रॉ केलं। आत्ताचा प्रश्न असा आहे आमचा, आता हा कॉमन प्रश्न तुम्हाला बघतो, तुम्हाला सगळ्यांना धन्यवाद देतो, पण आमचा कॉमन प्रश्न असा आहे की मध्ये हायर पेन्शनचा प्रश्न आला होता आणि हायर पेन्शनची पोझिशन आता काय आहे ह्याची आमच्या कुठल्याही टीमला माहिती नाही, तर कृपा करून ती माहिती आपण सगळ्यांना द्यावी अशी तुम्हाला विनंती करतो। धन्यवाद तेंदुलकर साहब, ये पेंशन और हायर वेजेस के बारे में आपने जो बताया ये तो सभी से रिलेटेड नहीं है, बट इंडिविजुअल से रिलेटेड है, और उसका जो है आप कौन सी कंपनी से हैं? हाँ, तो उसका ये जो देयर सम सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस हैं जो कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं उसके लिए जो है हमारे यहाँ से लेटर उनको जा रहा है और उसमें प्रोग्रेसिव वर्क जो है चालू है, क्योंकि उसके लिए क्या होता है रिटायरमेंट जो कंडीशन है उसको वेरीफाई करना रहता है, जो भी लेट डाउन है हमारे यहाँ कंडीशन पेंशन और हायर वेजेस के लिए, और बिना उसके वेरीफिकेशन के हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकते हैं कि दैट पर्सन दोज पर्सन आर विदर एलिजिबल और नॉट। तो जब तक हम कन्फर्म नहीं कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में तब तक हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे कि उनको देना है कि नहीं देना है। हाँ, वो अभी हमारा वो काम चल रहा है और वेरिफिकेशन जो है
वो हमारा जो जुरिस्डिक्शन है सब जगह से चल रहा है, सब जगह वेरिफिकेशन की रिपोर्ट धीरे धीरे आ रही है। ये टाइम पीरियड नहीं है कि दो साल तीन साल हो गया है, नहीं आपका ऑब्जेक्शन वाजिब है, आपका ऑब्जेक्शन वाजिब है। पेंशन और हायर वेजेस के लिए एक बार हमारे जो रेस्पेक्टिव कमिश्नर हैं, एक बार आप जरा उनसे मिलें, और मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे भी वेरिफिकेशन के लिए मिला है, बीएम बीइंग एनफोर्समेंट ऑफिसर मैं भी वेरीफाई कर रहा हूं। हाँ, मुझे भी जो भी असाइंड किया गया है मुझे, मैं भी वेरीफाई कर रहा हूं कि वो कंडीशंस को मीट कर रहे हैं कि नहीं। तो दिस विल टेक टाइम, बिकॉज क्या एम्प्लॉयर के पास ऑल ऑफ सडन बोलिएगा 30 साल का रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल है हाँ या नहीं है, दे विल ऑल्सो रिक्वायर सम सफिशियंट टाइम टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ये प्रोग्रेस में चल रहा है, अभी हम सपोज जाते हैं वहाँ पे। सरकार ने चॉकलेट देऊन आले, नेहमी नेहमी आपल्याला चॉकलेट देऊन आले। मोदी साहेबांना दोनदा भेटले कमांडर राऊत, त्या दिल्ली मध्ये संसद मधला एकही सभासद असा नाही की ज्याचा दरवाजा कमांडर राऊत साहेबांनी वाजवला नाही। श्रम मंत्री भेटले, अर्थमंत्र्यांना भेटले, पंतप्रधानांना भेटले, आपला सगळा जो आहे आराखडा तो त्यांनी सगळा समजून सांगितलेला आहे। त्याच्या अगोदर त्यांनी आग्रह केला की आपला पैसा जाते कुठं, आपला पैसा जमा किती आहे, मिनिमम पेंशन 7,500 टाका करते हबे करते हबे करते हबे हायर पेंशन चालू करते हबे 70 हायर पेंशन ओके कार्यकारी करते हबे 70 हायर पेंशन कार्यकारी करते हबे करते हबे करते हबे 70 हायर पेंशन कार्यकारी करते हबे करते हबे समस्ত কর্মচারী কে মেডিকেল ফ্যাসিলিটি দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে অবিলম্বে সমস্ত কর্মচারী কে মেডিকেল ফ্যাসিলিটি দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে অবিলম্বে আমাদের ডিএ এবং মেডিকেল ফ্যাসিলিটি দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে অবিলম্বে আমাদের ডিএ এবং মেডিকেল ফ্যাসিলিটি দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে ইনকিলাব জিন্দাবাদ 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 ইনকিলাব জিন্দাবাদ 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 18 নম্বর লাগা দিন এটা পড়ি লেখো না এটা পড়ি লেখো এটা আচ্ছা শোনেন, আর দেরি করে লাভ নেই,
কেননা আপনাদের শুধু শুধু সময় আটকিয়ে প্রত্যেকের আর যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে তাহলে বলতে পারেন, কিন্তু